रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गायत्री का किरदार निभाकर फेमस हुई अभिनेत्री कांचन सिंह के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये टीवी की कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और कौन कौन से हिट शोज में काम कर चुकी हैं। इस तरह से इनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हर एक चीज आप लोग जानते होंगे, लेकिन दोस्तों आप शायद इनकी पर्सनल लाइफ से वाकिफ होंगे। इनका नाम एक नहीं बल्कि दो दो एक्टर के साथ जुड़ चुका है। जी हाँ, दो एक्टर के साथ। एक एक कर खबरें आई थी कि इन्होंने टीवी के मशहूर एक्टर को डेट किया, पर उन एक्टर के बारे में हम कम ही जानते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं दो एक्टर से रूबरू करवाएंगे जिनके साथ इनका नाम जुड़ चुका है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के एंड तक। साथ ही कांचन सिंह के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी की मशहूर अभिनेत्री कांचन सिंह का नाम दो अभिनेताओं के साथ जुड़ चुका है, तो आखिर कौन है वो एक्टर? आइए एक एक करके जानते हैं उनके बारे में। नंबर वन, मिशकत वर्मा। मिशकत वर्मा वो पहले एक्टर हैं जिनके साथ कांचन सिंह का नाम जुड़ चुका है। आपको याद होगा कि मिशकत वर्मा के साथ उन्होंने टीवी सीरियल और प्यार हो गया में काम किया। उसी सीरियल में दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देख खबरें आने लगी कि कांचन सिंह अपने टीवी सीरियल के को एक्टर मिशकत वर्मा को डेट कर रही हैं। रियल लाइफ राज उनके रियल लाइफ राज बन गए हैं और ये खबरें तेजी से फैल गई थी। पर जब ये खबरें कांचन सिंह और मिशकत वर्मा तक पहुंची तो दोनों ने ही अपने डेटिंग की खबरों को अफवाह बताया। कहा कि दोनों के बीच रियल लाइफ में अच्छी केमिस्ट्री है, पर दोनों रियल लाइफ में अच्छे दोस्त हैं, जिसके बाद दोनों को डेटिंग की खबरें आनी बंद हो गईं। नंबर टू, रोहन मेहरा। रोहन मेहरा वो दूसरे एक्टर हैं जिनके साथ कांचन सिंह का नाम जुड़ चुका है। उनके नाम इनके साथ तब जुड़ा जब ये उनके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम कर रही थी। उस शो के अंदर दोनों भाई बहन के किरदार में थे। जहाँ कांचन सिंह गायत्री का किरदार निभा रही थी, वहीं रोहन मेहरा नक्श का किरदार निभा रहे थे जो गायत्री के मम्मी रे भाई थे। पर रियल लाइफ में तो कांचन सिंह का नाम उनके ऑन स्क्रीन भाई के साथ जोड़ा जा रहा था, पर आखिर इनके साथ कांची ने रिलेशन में होने की खबर को स्वीकार कर लिया था कि वो इन्हें डेट कर रही हैं। इसी शो में काम करने के दौरान वो अपने ऑन स्क्रीन भाई को दिल दे बैठी और ये भी उनसे प्यार करने लगे, जिसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सीरियल से किनारा कर लिया और एक दूसरे को डेट करने लगे। ऐसे ही डेट करते हुए दोनों ने 4 साल एक दूसरे के साथ पूरे कर लिए थे। और सालों बाद रोहन और कांची के ब्रेकअप की खबरें सामने आई थी कि कांची ने रोहन से ब्रेकअप कर लिया है। पर अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कांची ही बता सकती हैं। तो दोस्तों, आपको रोहन और मिशकत में से किसके साथ कांचन सिंह की जोड़ी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।